इंडिया और श्रीलंका के बीच में तीसरा ओडीआई मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में टीम इंडिया को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। पहला ओडीआई मुकाबला ड्रॉ रहा था, दूसरा ओडीआई मुकाबला भी टीम इंडिया हारी थी और तीसरा मुकाबला जो था वो सीरीज बचाने का एक मौका था टीम इंडिया के पास, सीरीज ड्रॉ करने का मौका था, लेकिन इंडिया से इतना भी नहीं हो पाया और 110 रनों से हार का सामना करना पड़ा। पहले टॉस जीता था श्रीलंका ने और श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। जब इंडिया के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे तो इतने ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए थे। रियान पराग आए, वो 3 विकेट लेकर गए, हमारे स्पिनर्स इतने ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि कुलदीप यादव ने विकेट्स लिए थे, लेकिन हम देख रहे थे कि उसमें पेसर्स जो थे उनका कोई भी रोल नहीं था और टीम इंडिया कल 9 बल्लेबाजी ऑप्शन के साथ उतरी थी, लेकिन फिर भी बल्लेबाजी बुरी तरीके से फ्लॉप रही। इस हार के बाद रोहित शर्मा बहुत ही ज्यादा डिसहार्टेंड नजर आए। जब बाद में वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तब उसके बाद से उन्होंने बताया कि कितना ज्यादा उन्हें बुरा फील हो रहा है इस हार के बाद। चलिए एक बार नजर डालते हैं रोहित शर्मा के बयान पे कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है इस हार पर। हमने सीरीज गवा दी और मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव चीजों के बजाय कई क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें पीछे जाकर देखना होगा कि जब हम इस तरह की परिस्थितियों का सामना करेंगे तो हमें क्या करना होगा। हमने पूरी सीरीज में अच्छा क्रिकेट नहीं खेला और इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। पूरी सीरीज में कुछ सकारात्मक चीजें भी रही, स्पिनरों ने किस तरह से गेंदबाजी की, बीच में कुछ बल्लेबाजों ने भी। अगर आप भारत के लिए खेल रहे हैं और दूसरी टीम को हल्के में लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये चिंता का विषय है, लेकिन हमें इस हार पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। ये कुछ ऐसा है, हम निश्चित रूप से इस सीरीज में दबाव में थे। सीरीज हारने का मतलब दुनिया का अंत नहीं है। ये खिलाड़ी पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आप कुछ सीरीज हारेंगे, ये इस बारे में है कि आप हार के बाद कैसे वापसी करते हैं। जब इंडिया और श्रीलंका के बीच में T20I मुकाबला खेला गया था तो उसमें टीम इंडिया ने श्रीलंका को क्लीन स्वीप किया था, लेकिन ओडीआई में श्रीलंका बिना अपने प्रॉपर बल्लेबाजों और गेंदबाजों के साथ खेल रही थी। हसरंगा इसमें नहीं खेल रहे थे, उसके मधुशंका नहीं खेल रहे थे, जो उनके मेन बॉलर थे, मेन बल्लेबाज थे, वो सब नहीं खेल रहे थे और टीम इंडिया के सारे ही मेन खिलाड़ी खेल रहे थे। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सारे मेन खिलाड़ी खेलते, शुभमन गिल, लेकिन कोई भी ढंग का परफॉर्म नहीं कर पाया और श्रीलंका अपनी बी टीम के साथ सीरीज में जीत हासिल कर ली और टीम इंडिया अपने मेन खिलाड़ियों के साथ भी ये सीरीज हार गई और 27 साल बाद श्रीलंका से भारत कोई सीरीज हारी है ओडीआई में, तो ये काफी शर्मनाक हार है टीम इंडिया के लिए और इस पे टीम इंडिया को बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत है। बाकी आपको कैसे लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।